हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फेसोन के इस एपिसोड में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में जानने वाले हैं, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1978 थोरापल्ली, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। स्वर्गवास 25 दिसंबर 1972, मद्रास। कार्य, राजनेता, वकील, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समय एक महत्वपूर्ण नेता के साथ साथ वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भारत के गृह मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने एक राजनीतिक दल स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना भी की। राजाजी के नाम से मशहूर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को देश सेवा में किए गए कार्यों के लिए ए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के सालेम जिले के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1978 को हुआ था। उनका जन्म एक धार्मिक आयंगर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चक्रवर्ती वेंकटारियन और माता का नाम सिंगारम्मा था। बचपन में वह शारीरिक रूप से इतने कमजोर थे कि उनके माता पिता को ऐसा लगता था कि वो शायद ही ज्यादा समय तक जी पाएंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा थोरापल्ली में ही हुई। जब वो 5 वर्ष के थे तब उनका परिवार होसुर चला गया, जहां उन्होंने होसुरार बी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने मेट्रिकुलेशन की परीक्षा सन 1891 में पास की और वर्ष 1894 में बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से कला में स्नातक हुए। इसके पश्चात उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और सन 1897 में इस पाठ्यक्रम को पूरा किया। स्वाधीनता आंदोलन। सन 1900 के आसपास उन्होंने वकालत प्रारंभ किया, जो धीरे धीरे जम गया। वकालत के दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सालेम नगर पालिका के सदस्य और फिर अध्यक्ष चुने गए। देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों की तरह वह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और धीरे धीरे इसकी गतिविधियों और आंदोलनों में भाग लेने लगे। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता 1906 और सूरत 1907 अधिवेशन में भाग लिया। सन 1917 में उन्होंने स्वाधीनता कार्यकर्ता पी वरदाराजुलु नायडू के पक्ष में अदालत में दलील दी। वरदाराजुलु पर विद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। वह एनी बेसेंट और सी विजयराघवाचार्य जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। जब महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए तब राजगोपालाचारी उनके अनुगामी बन गए। इसके पश्चात उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी वकालत छोड़ दी। वर्ष 1921 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य चुना गया और वह कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। सन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में उन्हें एक नई पहचान मिली। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी सहयोग का विरोध किया और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ राज्यों के विधान परिषद में प्रवेश का भी विरोध कर नो चेंजेस समूह के नेता बन गए। नो चेंजेस ने प्रो चेंजेस को पराजित कर दिया, जिसके फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास जैसे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। वह 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह से भी जुड़े थे। धीरे धीरे राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और बाद में तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। जब 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया तब राजगोपालाचारी ने भी नागपट्टनम के पास वेदरनयम में नमक कानून तोड़ा जा सके कारण सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उन्होंने 1937 के चुनावों में भाग लेने के लिए कांग्रेस को सहमत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1937 के चुनाव के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। द्वितीय विश्व में भारत को शामिल करने के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें दिसंबर 1940 में गिरफ्तार कर 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और मुस्लिम लीग के साथ संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभाजन के मुद्दे पर जिन्ना और गांधी के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1946-47 में वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री रहे। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के साथ साथ बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत के हिस्से वाले पश्चिम बंगाल का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल 1948-50
भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन के अनुपस्थिति में राजगोपालाचारी 10 नवंबर से 24 नवंबर 1947 तक कार्यकारी गवर्नर जनरल रहे और फिर बाद में माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहे। इस प्रकार राजगोपालाचारी न केवल अंतिम बल्कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। नेहरू सरकार में मंत्री। सन 1950 में नेहरू ने राजगोपालाचारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, जहां वो बिना किसी मंत्रालय के मंत्री थे। सरदार पटेल के मृत्यु के पश्चात उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, जिस पद पर उन्होंने 10 महीने कार्य किया। प्रधानमंत्री नेहरू के साथ बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद होने के कारण अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मद्रास चले गए। इसके पश्चात राजगोपालाचारी लगभग 2 साल तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और लेखन के कार्य में लग गए। सन 1958 में उन्हें उनकी पुस्तक चक्रवर्ती थिरुमगन के लिए तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया। जनवरी 1957 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और मुरारी वैद्या और मीनू मसानी के साथ मिलकर सन 1959 में एक नए राजनीतिक दल स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की। बाद में एन जी रंगा के एम मुंशी और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा भी इसमें शामिल हुए। स्वतंत्रता पार्टी 1962 के लोकसभा चुनाव में 18 और 1967 के लोकसभा चुनाव में 45 सीटें जीतने में कामयाब रही और तमिलनाडु समेत कुछ और राज्यों में प्रभावशाली रही, पर 70 के दशक में हाशिए पर आ गई। निजी जीवन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का विवाह वर्ष 1897 में अलामेलु मंगम्मा के साथ सम्पन्न हुआ। राजगोपालाचारी दंपत्ति के कुल 5 संतानें हुई, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। मंगम्मा सन 1916 में स्वर्ग सिधार गई, जिसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अपने बच्चों के पालन पोषण का भार संभाला। उनके पुत्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नरसिम्हन कृष्णागिरी लोकसभा क्षेत्र से सन 1952 से 1962 तक संसद सदस्य रहे। उन्होंने बाद में अपने पिता की आत्मकथा लिखी। राजगोपालाचारी के पुत्री लक्ष्मी का विवाह महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी के साथ हुआ था। मृत्यु। नवंबर 1972 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 17 दिसंबर 1972 को उन्हें मद्रास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 25 दिसंबर को अंतिम सांसें ली। तो यह थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जीवन की कथा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।